ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण, मनोज झा ने ठाकुर पर कब्जा कर जिसको लेकर आपने पार्टी से विधायक। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात को बोल रहे कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में संयम के लिए बक्से जा रहे हैं, वो परहेज करना चाहिए सब बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरहमान। बिहार की सियासत में एक बड़े मुद्दे को लेकर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीते 8-10 दिन पहले राज्यसभा में अपने पक्ष को रखा था और ठाकुरों को लेकर एक कविता पढ़ी थी। अब इस कविता को लेकर इन दिनों राजनीति भर भर के की जा रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष के द्वारा हो विपक्ष के द्वारा हो। ऐसे में आरजेडी के कई बड़े ऐसे चेहरे हैं ये जो इस पूरे मामले पर मनोज झा का खुला समर्थन कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि दरअसल इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके राजनीति में बहस का एक विषय बना रही है। इसी पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव ने खुले तौर पर मनोज झा का समर्थन भी किया और कई बातें उनके पक्ष में भी कही। देखिए इसे ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण, मनोज झा ने ठाकुर पर कब्जा कर जिसको लेकर आपने पार्टी से विधायक। मनोज झा ये विद्वान आदमी है, सही बात को बोल रहे कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में संयम के लिए बक्से जा रहे हैं, वो परहेज करना चाहिए सब बात बोल रहे हैं। कोई समाज का अपमान चेतन आनंद आपके पार्टी के विधायक होने में को लेकर किया है, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे सर, मुख्यमंत्री साहब मुलाकात की है सर आज आपकी मुलाकात। तो आपने देखा दर्शकों, दरअसल बिहार में राजनीति, जातिगत राजनीति काफी दशकों से की जा रही है और 2024 से पहले एक बार फिर से उसी तरीके का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।